हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना से देश की जंग जारी है। गाजियाबाद में क्वारंटीन में जमात के जिन लोगों पर अश्लील हरकतें करने का आरोप है, उन पर सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंदौर जैसी घटना यूपी में कहीं नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए कानून के मुताबिक जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो की जाए। हम सीधे रुख करते हैं बीपी न्यूज संवाददाता रणवीर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, योगी आदित्यनाथ सख्त? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने बड़े जो अधिकारी हैं, टीम 11 जिसको कहते हैं, उन टीम 11 के साथ जो बैठक हो रही थी उस बैठक में साफ कहा है कि इंदौर जैसी घटना यूपी में नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस कर्मियों पर कोई हमला होता है, किसी तरह से भी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होता है, तो रासुका की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस तरीके से गाजियाबाद में नर्सों के साथ अभद्रता का मामला आया था, जिस तरीके से 6 लोग वहां अस्पताल में अपने कपड़े खोल रहे थे, अश्लील बातें कर रहे थे, बीड़ी और सिगरेट मांग रहे थे, उस घटना पर कहा है कि उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही जो तीसरा बड़ा निर्देश दिया है वो क्वारंटाइन किए गए लोगों को लेकर दिया है, जिसमें सीएम ने साफ कहा है कि क्वारंटाइन किए गए लोग एक जगह पर रहें, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना हो, और इसकी जवाबदेही डीएम, एसएसपी या एसपी जो भी होगा उसकी होगी, ताकि हर जिले में जो बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी और एसएसपी या एसपी हैं, वो अपने नीचे के अधिकारियों को सख्त निर्देश दें, कड़ाई से अनुपालन करवाएं, ताकि जो क्वारंटाइन किए गए लोग हैं वो सिर्फ एक जगह पर रहें और कहीं मूव ना करें, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़े। तो लगातार योगी आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मौके और हालात की जरूरत के हिसाब से योगी आदित्यनाथ सख्त। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज़ पर।